हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी डिस्कशन में आपका स्वागत है। 8 सितंबर पे कंपाइल हुई जो पीआईबी की मुख्य रिपोर्ट्स हैं उसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या है पहला मुद्दा है रेलवे में सेफ्टी से रिलेटेड, और रेलवे मिनिस्टर ने बोर्ड, रेलवे बोर्ड और रेलवे के सेफ्टी डायरेक्टरेट्स के साथ में एक मीटिंग की है, जिसके मुख्य मुद्दे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पे गेट्स नहीं हैं उनको सबसे पहले ठीक करना 1 साल के अंदर। दूसरा, डिरेलमेंट जहाँ जहाँ हो रही हैं, डिफेक्ट्स हैं जिन ट्रैक्स में, उन ट्रैक्स का रिप्लेसमेंट करना। और तीसरा जो है मुद्दा, वो रेलवे ट्रैक्स का जो प्रोक्योरमेंट होता है उसको लार्ज स्केल पे करना है। चौथा मुद्दा यह है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेंशनल ICF डिज़ाइन कोचेस, और उनको बदल करके LHB कोचेज लगाने हैं, क्योंकि LHB कोचेज ऐसा माना जाता है ये काफ़ी सेफ होते हैं, और एक्सीडेंट के टाइम पे इसमें जो पैसेंजर्स होते हैं और वो भी सेफ रहते हैं, तो LHB कोचेज से जान माल का खतरा कम रहता है। और जो पांचवा मुद्दा है वो था कि जो LED लाइट्स लानी है, वो एंटी फॉग LED लाइट्स लानी है, और उनको लोकोमोटिव्स पे इंस्टॉल करना है, ताकि जब फॉग होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कोहरा आ जाता है, तो कोहरे में ड्राइवर्स स्मूथली ट्रेन को चला सकें। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा की है, और इस पे एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान मांगा है, टाइम बाउंड रिजल्ट मांगा है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। और रेलवे की बात करें तो आज ही 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें एक गुड्स ट्रेन का है, माइनर है, दूसरा राजधानी दिल्ली में उसके इंजन और उसका इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यान, वो हो गया है, और एक शक्तिपुंज एक्सप्रेस जबलपुर बाउंड, मतलब जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भी हुआ है, और पिछले कुछ महीनों में भी हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि रेलवे जो है ये एक सिस्टमिक फेलियर जो है सेफ्टी का, उससे जूझ रहा है, और इस पे जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरा ये मुद्दा है संकल्प से सिद्धि का। संकल्प से सिद्धि क्या है? जैसे कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के 5 सालों के अंदर ही हमें आज़ादी मिल गई थी, उसी तरह इस साल मोदी जी ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है, जो कि 2017 में अगर लॉन्च हुआ है तो हम अपने सपनों का भारत 2022 तक बना सकते हैं 5 सालों के अंदर। तो ये संकल्प से सिद्धि है, और इसकी एक एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट जो थी वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर थी, और उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। और इस तरीके से बहुत सारी एग्जीबिशन देश के अन्य भागों में चल रही हैं, और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि 2017 में जब ये लॉन्च किया जाएगा तो 5 सालों के टाइम, जब 75वीं वर्षगांठ देश आज़ादी की मना रहा होगा, तब तक हमें एक नया भारत मिल चुका होगा। तीसरी न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, और ये 51वां इंटरनेशनल लिटरेसी डे है जो कि 8 सितंबर 2017 को मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो है लिटरेसी इन डिजिटल वर्ल्ड, लिटरेसी इन डिजिटल वर्ल्ड, और ये एक फोरम है जिससे कि इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस डिसेमिनेशन होता है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना लोगों को लिटरेसी के बारे में, कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में, एक व्यक्तिगत रूप पे और राष्ट्रीय स्तर पे लिटरेसी का क्या फ़ायदा होगा, ये हम इससे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। और नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी जो इंडिया में है उसने हर साल लिटरेसी डे मनाना शुरू किया 1988 के बाद से, और भारत की ये कह सकते हैं भारत का ये एक उद्देश्य है, भारत सरकार का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लिटरेसी को इरेडिकेट करना है। लिटरेसी मतलब असाक्षर, या असाक्षर ही कहते हैं, तो उसको पूरी तरीके से हटा देना है।
और 1996 में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे जिसमें मशाल मार्च भी एक था। मशाल मार्च कौन स्कूल के स्टूडेंट्स मशाल को लेकर के निकलते थे लिटरेसी फंक्शनरीज, और वो एक मशाल मार्च करते थे जिससे कि अवेयरनेस जनरेट होती थी। और कुछ सालों के बाद जैसे कि बेसिकली इसको लोगों की नज़र में लाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते थे। मशाल मार्च एक था, दूसरा बहुत सारे कंपटीशन कर सकते थे, रंगोली ड्राइंग एक्सेट्रा ये सब किए जाते थे जिससे कि लोगों को उसके बारे में उसका महत्व पता लगता था। तो लिटरेसी डे आप याद रखें, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर 2017 को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, युद्ध अभ्यास 2017, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और यूएस के बीच में कंडक्ट हो रही है, और ये वहीं पर कंडक्ट हो रही है वाशिंगटन यूएसए में, और इसका जो समय है वो है 14 से 27 सितंबर तक के लिए ये आयोजित की जाएगी। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो यह है कि कॉपरेशन बढ़ाना डिफेंस में दोनों देशों के बीच में, दूसरा यह है कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के जो प्रोसीजर्स हैं या एक दूसरे के जो टैक्टिक्स हैं उनके बारे में अभ्यास करवाना, जिससे कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में एक अपॉर्चुनिटी और एक उनको एक स्किल सेट उनका डेवलप किया जा सके, और एक दूसरे के इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब अगर कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी पड़ जाए तो एक दूसरे के प्रोसीजर्स या एक दूसरे की कम्बैट टेक्निक्स एक दूसरे को पता होना चाहिए, दूसरा अगर एक दूसरे को रिप्लेस भी कहीं करना पड़ जाए किसी इंटरनेशनल मिशन पे या कहीं पे तो भी उनको ये आना चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि मल्टीपल सिनेरियोज विल बी रिहर्स्ड, मल्टीपल सिनेरियोज मतलब अलग अलग तरीके का मॉक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें अलग अलग सिनेरियोज बनाएंगे और वो लोग आपको अपना युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बैटल प्रोसीजर्स हैं वो हाई डिग्री ऑफ जॉइंट मैनशिप को प्रमोट करेंगे। जॉइंट मैनशिप मतलब कि साझा साझा होना किसी चीज़ से, तो इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और एक्सरसाइज इज ऑल्सो एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। तो जब साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज, तभी एक दूसरे के ऑपरेशंस और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करके लर्न कर सकेंगे। दैट वुड बेनिफिट बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट करेगा। और यूएस मैंडेट में भी दोनों को एक साथ काम करने का है। सो ऑपरेशनल सेटिंग है यूएस मैंडेट में, ऑपरेशनल सेटिंग मतलब कभी सॉरी यूएन यूएन मैंडेट, यूनाइटेड नेशन मैंडेट, जैसे कि वही मैंने बात की कि इंटरनेशनल मिशंस मतलब यूएन मैंडेट में भी कभी कभी बहुत सारी कंट्रीज़ की सेनाओं को एक साथ काम करना पड़ता है। तो उस मैंडेट में भी अगर एक दूसरे के ऑपरेशंस प्रोसीजर्स टैक्टिक्स ये सब चीज़ें पता हैं उनको किस तरीके से करना है, तो एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे कि दोनों साइड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कशन रखेंगे, एकेडमिक्स एंड मिलिट्री डिस्कशन, और एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा। आज के डिस्कशन में इतना ही, 4-5 ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए मैंने वही कलेक्ट किया है, और जो बाकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मेरा फुल न्यूज़ डिस्कशन जो सेशन है उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।